नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइफ में। आज की वीडियो में बताने वाले हैं नारियल पाउडर का रेसिपी। और ये दोस्तों संतरा है, नारियल पाउडर का ही दो तरह का रेसिपी दोस्तों आज की वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। एक तो ये संतरा है दोस्तों, और दूसरा है नारियल बर्फी। तो दोनों ही नारियल पाउडर का रेसिपी है दोस्तों। तो वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, लगे वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आज की कैसे बनता है ये नारियल का दो रेसिपी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लगभग 1.5 kg नारियल पाउडर ले लिया है और लगभग 2.25 kg चीनी ले लिया है, यानी कि 1 kg नारियल पाउडर के लिए, कोकोनट पाउडर के लिए 1.5 kg चीनी, लगभग हमने 2.25 kg चीनी ले लिया है। कढ़ाई में इसमें दूध दे दिए हैं ताकि चाशनी हमारा साफ हो। अब इसको हम चलाएँगे दोस्तों। लगभग 2.25 kg चीनी में लगभग 1 से 1.5 kg लगभग पानी हमने दिया है, और लगभग 2 सवा दूध दिया है ताकि उससे जो भी मैली होगा, जो भी गंदगी होगा चीनी से चाशनी से आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। हम 1.5 kg नारियल पाउडर का रेसिपी का दोस्तों बनाने वाले हैं आज, दो तरह का रेसिपी। हमने 1.5 kg नारियल पाउडर लिया है और उसके लिए हमने 2.25 kg चीनी लिया है। तो दोस्तों चीनी का सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, और लगभग दोस्तों हमारा चीनी गल चुका है। अब इसे मैली जमने देंगे ताकि मैली आराम से सारा मैली ऊपर आ जाए और उस मैली को हम उठा सके दोस्तों। और ये देखिए मैली किस तरह से हम ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैली है, ये चीनी का गंदगी है, इससे चाशनी हमारा साफ हो जाता है। लेकिन दूध को पतला करके जब दीजिएगा तभी ऐसा हो पाएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं मैली निकलेगा। और दोस्तों हमारा चाशनी साफ हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हाइड्रो देंगे दोस्तों हम साफ होने के लिए। ये हाइड्रो है, लगभग 1 चुटकी हाइड्रो देंगे। ज़्यादा देने के बाद हम इसमें कलर का यूज करने वाले हैं, उससे काला हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा हाइड्रो का प्रयोग नहीं करेंगे। धोखा से भी दोस्तों अगर आप ज़्यादा हाइड्रो दे दिए इसमें कलर चीज़ का प्रयोग करेंगे तो काला हो जाएगा। और ये लगभग 2 सौ ग्राम दूध है, और ये लगभग 4 सौ ग्राम हमने पाउडर लिया है, अमूल स्प्रे पाउडर है दोस्तों। उसको हम घोल लेंगे दूध में गाढ़ा करके, बिल्कुल लय की तरह। जब तक हमारा चाशनी गाढ़ा हो रहा है, यानी कि गाढ़ा हो चुका है, उसका हम तार देख रहे हैं। अब दोस्तों वो जो अमूल स्प्रे हमने घोल के रखा है वो इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों कोकोनट पाउडर देंगे, यानी कि नारियल का भूसी देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे, देखें देने के बाद लगभग 1.5 kg भूसी है, उसके लिए लगभग 2.25 kg चीनी हमने लिया है, यानी कि 1 kg भूसी में लगभग 1.5 kg चीनी का प्रयोग किया हमने। और ये लेमन येलो रंग है दोस्तों, पीला रंग, कलर का प्रयोग करेंगे तभी इसका हम नारियल बर्फी बना पाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा पीला कलर आ गया है। आप टेस्ट के लिए चाहे इसमें जो दे, गुलाब जल दे दे, वनीला एसेंस दे दे या ऑरेंज एसेंस दे दे। थोड़ा सा हमने घी का प्रयोग किया है ताकि हाथ में छिपके नहीं और टेस्ट भी बेहतरीन हो। तो दोस्तों इसका हम दो रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों, नारियल भूसी का यानी कि नारियल पाउडर का। एक तो हम एक ट्रेल इसका बर्फी बनाएंगे, और उसका दूसरा हम इसका संतरा बनाएंगे। तो हम ट्रेल में पहले सबसे जमाएंगे दोस्तों नारियल बर्फी को, ट्रेल में घी लगा लें ताकि चिपके नहीं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों, सुसुम रखेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। चाशनी अगर आप कमज़ोर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा गीला हो जाएगा, और चाशनी ज़्यादा तेज लेंगे तो पूरा भुरभुरा हो जाएगा। चाशनी एक्यूरेट होना चाहिए। अगर चाशनी आपका कमज़ोर हो गया, हाथ में चिपक रहा है, तो इसे कुछ देर सेक सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा हो तो वो कम आँच में सेकना होगा। तो दोस्तों हमने ट्रेल में से जमा लिया, अब इसे बेलने का काम करेंगे ताकि प्लेन कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे ट्रेल में दोस्तों, बेलना का प्रयोग करके। तो अब देख सकते हैं दोस्तों उसको हम बेल रहे हैं, पूरा बराबर कर लेंगे, समतल कर लेंगे बेल करके। उसके बाद जो हमारा भूसी का यानी कि नारियल पाउडर का पार्ट जो बचा हुआ है, फिर उसका हम दूसरा रेसिपी बनाएंगे। हमने इसे बेल लिया है दोस्तों, अब इसे हम 2-4-5 घंटे जमने के लिए छोड़ देंगे ताकि फिर काट पाए इसे हम। इस बीच दोस्तों हम इसका दूसरा काम करेंगे, जो हमारा नारियल भूसी का पार्ट बचा हुआ है उसका दूसरा रेसिपी बनाएंगे, जिसे हम संतरा कहते हैं। अब इसे हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अब जो बचा हुआ हमारा नारियल पाउडर है दोस्तों, यानी कि कंपनी जो बचा हुआ है, इसमें हम ऑरेंज कलर देंगे। इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऑरेंज एसेंस दे दें सेंट के रूप में, अगर सेंट नहीं वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो मत दीजिए। और ये हमने इसमें ऑरेंज रंग दिया, और इसका कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लेमन येलो रंग में ऑरेंज रंग का प्रयोग करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल संतरे के जैसा लगेगा,
जिस तरह से नौरंगी का रहता है उस तरह से लगेगा देखने में। और हमने लगभग 100-200 ग्राम लगभग सूखा पाउडर को भी रखा है, उसका ही प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपके बगल में दिख रहा है। तो हमने इसे मिक्स करके ऊपर ले लिया दोस्तों। अब इसका हम गुल्ली काटेंगे, यानी कि लोहिया बनाएंगे इसका। अपना जिस साइज काटना हो वो काट लेंगे हम। लगभग 25 से 30 ग्राम का हमारा ये गुल्ली है। अब इसे गोल करेंगे और गोल करके जो व्हाइट वाला हमारा भूसी है उसमें हम लेप लगाएंगे। इसे देखने में दोस्तों यूनिक लगेगा। गोल कर करके दोस्तों इस तरह से हम रखते जाएंगे व्हाइट कोकोनट पाउडर पे, जो कि सादा है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया करेंगे सभी को दोस्तों। जितना भी मेरे पास जितना भी हमने गुल्ली काटा है सभी को गोल कर करके व्हाइट ब्लॉक पर रखेंगे और उसका लेप लगा करके सभी को रखेंगे। उसके बाद इसको कट करने का काम करेंगे, जो कि संतरा का रूप आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम इसमें लेप सभी को हमने गोल कर लिया है। सभी को दोस्तों इस वाइट वाला कोकोनट पाउडर का लेप लगाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। यही चीज़ करना है दोस्तों, बारी बारी सभी को करना है। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको कट करेंगे ताकि संतरा का रूप आएगा, ऑरेंज का, बिल्कुल छीला हुआ नारंगी देखने में लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो और बेहतरीन लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसको कट करने का काम करेंगे, उसके बाद देखिए इसका सुंदरता कितना खूबसूरत आएगा। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल छिला हुआ संतरा यानी ऑरेंज। 1, 2, 3 फोर कट मारेंगे और ये इस तरह से हमारा संतरा तैयार हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा उंगली का दाग दे देंगे। यही प्रक्रिया दोस्तों बारी बारी सभी को कर करके इस तरह से हमने ट्रे में सजा लिया। इसमें थोड़ा सा पिस्ता का प्रयोग करेंगे ताकि देखने में और सुंदर लगे। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि नारियल भूसी का है दोस्तों, नारियल पाउडर का ये रेसिपी है। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, बिल्कुल संतरे की तरह दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बारी है जो हमने पहले से नारियल भूसी को जमा कर रखा है उसे काटने का। बिल्कुल दोस्तों हमारा यह संतरा तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और देखने में भी लगता है छिला हुआ एकदम ऑरेंज नारंगी। अब हमारा ये जमकर तैयार हो चुका है जो हमने पहले जमाया था। अब इसे हम कट करने काम करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा इसमें हम घी लगाएंगे और घी लगा करके इसमें वर्क चिपकाएंगे, यानी कि तवक चिपकाएंगे इसमें। थोड़ा सा घी का लेप लगाती हैं दोस्तों। तवक चिपकाएंगे, देख सकते किस तरह तवक चिपका रहे हैं। और ये काम पूरा हो गया, अब इसे हम कट करने का काम करेंगे। साइज आप अपने मुताबिक देख लीजिए, किस तरह का साइज आपको चाहिए वो साइज आप काट सकते हैं। मैं लगभग दोस्तों 1 पीस 30 ग्राम का काटने वाला हूँ, जिस तरह से देख लीजिए काट रहे हैं। तो दोस्तों आप देख आज के वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि कोकोनट पाउडर से हमने दो रेसिपी बताया दोस्तों। नारियल बर्फी तो जानते ही थे आसान है, लेकिन उसके साथ हमने संतरा बताया दोस्तों। तो एक ही वीडियो में दो रेसिपी यानी 2 in 1। ये दोस्तों रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसको बना सकते हैं घर पर रक्षाबंधन के स्पेशल माहौल में। 2 in 1 वीडियो है दोस्तों रक्षाबंधन स्पेशल, यानी कि एक ही आइटम से एक ही पाउडर से दो तरह का मिठाई और बिल्कुल आसान। तो दोस्तों हमने इसे कट कर लिया है, अब इसे हम निकाल के ट्रेल में सैत लेंगे अच्छी तरह से। कट कर लिया हमने दोस्तों, अब इसे ट्रेल में निकालेंगे ताकि शॉप में बिकने के लिए जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज की रेसिपी बताइएगा वीडियो में, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा कमेंट करके, या नेक्स्ट टाइम कौन सा वीडियो चाहिए दोस्तों कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नारियल बर्फी तैयार हो चुका है। अब इसमें पिस्ता बादाम छीटेंगे और हमारा बर्फी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।